नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के तहत विभिन्न विभागों के लिए चयनित कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुड़े। आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र मिलने के बाद से विभिन्न विभागों में कनिष्ठ अभियंताओं की कमी दूर होगी और विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रोजगार को लेकर के सरकार ने जो नौकरियों का वादा किया था उसे पूरा करने में लगी हुई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। वर्चुअल माध्यम से वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। दरअसल 17,000 नियुक्तियां जो कनिष्ठ अभियंताओं को मिली हैं उसको लेकर के अब नियुक्ति पत्र सौंपे जाने थे और इसको लेकर के देहरादून में कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी देश का भविष्य और विकास का आधार युवा होते हैं और इस दौरान जो है युवाओं को बधाई भी उन्होंने दी। जिन युवाओं को कनिष्ठ अभियंताओं के तहत नियुक्त किया गया है उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य किया गया। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ता इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार देश और प्रदेश में लगातार चौमुखा विकास कर रही है। विपिन कैंथोला ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। वहीं प्रदेश को लेकर के पीएम मोदी काफी सक्रिय रहते हैं और उनके द्वारा लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। बहुत स्पष्ट है, हम भी क्योंकि प्रधानमंत्री है हम भी बधाई देते हैं उनको, हम चाहते हैं कि वो सतायु हो, लेकिन कल जिस तरह का बयान आना चाहिए, बयान आया कि वो ही आगने वाले कल में भी नेतृत्व करते रहे, इसमें मेरा थोड़ा विरोध है कि नेतृत्व बहुत हो गया, नेतृत्व में उन्होंने कुछ किया नहीं है। इसलिए सतायु हो, खुश रहे, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, लेकिन अब वो नेतृत्व न करें क्योंकि देखिए बेरोजगारों की फौज बहुत लंबी हो गई है, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार फलानी सरकार वो सरकार बन गई है 14 से 24 तक, अब यही नहीं पता लग रहा है कि भैया महंगाई कम होगी, 425 का सिलेंडर 900 पार हो गया है। देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 100 दिन पूरे कल उनका जन्मदिवस के साथ ही हमने भी आपको जन्म के माध्यम से देखा है। चलते तो मोदी जी ने जो वादा देश के साथ किया था वादे को निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र की सरकार विभिन्न कामों को नए आयामों को स्थापित किया और आने वाले समय में जो हमारे अंतिम पायदान में जो लोग हैं, जो अंतिम पायदान में विकास जिनको पहुंचाना है उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। पिछले वर्ष आप पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा जो दो कार्यकाल में लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इस प्रकार से महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं की आवास योजना हो, गैस कनेक्शन की योजना हो, जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि हो, उन सब चीजों को किया है। अब खबर देहरादून से है जहां महिला कांग्रेस 21 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास पर कूच करेंगी। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था और महिला अपराध के खिलाफ महिला कांग्रेस ने यह फैसला लिया है जिसको लेकर के रणनीति बना ली गई है। आपको बता दें कि 21 सितंबर को कांग्रेस भवन में एक सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद सभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का आरोप है कि प्रदेश में बेटियों पर लगातार अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और बीते 2 महीनों में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और ये प्रदर्शन राज्य भर में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर की जा रही सरकार की अनदेखी के खिलाफ है। कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास कुछ कर रहे हैं और हमारा जो मुख्य मुद्दा है जिस तरीके से पूरे प्रदेश में महिलाओं के ऊपर बलात्कार, दुराचार और अत्याचार के केसेस बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ है। आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने में ISBP देहरादून में गैंग रेप हुआ, हरिद्वार गैंग रेप, चंपावत गैंग रेप और चंपावत में एक बलात्कार की और घटना घटी, लालपा में जो
भाजपा के दुख से उनके अध्यक्ष हूँ, जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं की बेटी के साथ जो बलात्कार का केस उन पर दर्ज हुआ, सल्ट का केस आप लगा लीजिए, तस्लीम बांध का जो रुद्रपुर में केस हुआ, उसके बाद मौलवी ने जो बच्चियों के साथ किया, ये तमाम मुद्दे और हरिद्वार में एसएसपी के निर्देशन पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में रानीपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान सुमन नगर पुलिया पर संदिग्ध दो मोटरसाइकिल में सवार चार व्यक्तियों को रोककर उनके कब्जे से 500 के लगभग 44 नोट बरामद किए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर पुलिस को उनके और उनके साथियों की भी जानकारी मिली, जिस पर कोतवाली रानीपुर पुलिस ने बिना देरी किए अलग अलग टीमें गठित करके देहरादून के पटेल नगर से अन्य अभियुक्तों को नकली नोट और नकली नोट बनाने वाले उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से लगभग 2,25,000 के तकरीबन नकली नोट बरामद हुए हैं। बालाजी ज्वेलर्स डकैती में पुलिस के द्वारा कल देर रात जो हमारा चौथा अभियुक्त है अमन, उसकी अरेस्टिंग यमुनानगर से की गई है। आज पुलिस अभिरक्षा में उसके द्वारा 27 की रिकवरी कराएगी, जिसमें उसके द्वारा और उसके साथियों के द्वारा जो मोटरसाइकिलें और स्कूटी उस घटना में सम्मिलित की गई थी, जो उसको रिकवर किया है। साथ में पुलिस इस चीज जो उसके पास भी पैसे उनके द्वारा दिए गए थे वो भी पुलिस ने रिकवर कराए थे। इसके साथ ही अभी हम लोग जल्दी ही इनको सभी अभियुक्तों को, तीनों अभियुक्तों को पुलिस रिमांड में लेके जो मुख्तसर पंजाब में इनसे इनके घरों में एक बार जरूर हम लोग चेकिंग करेंगे, चेकिंग के लिए ले जाएंगे वहां पर जो सामान की बरामदगी के संबंध में। और मानसून सीजन के दौरान बंद हुई सड़कों को खोलने का तेजी से काम किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद से चार दिन में प्रदेश भर की 307 बंद सड़कों को खोल दिया गया है। हालांकि अभी भी प्रदेश भर में 170 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को प्रदेश की 480 से ज्यादा सड़कें बंद थी। मुख्यमंत्री ने इन मार्गों को भी जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने सचिव आपदा प्रबंधन से 25 सितंबर तक सड़कों से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद सचिव आपदा प्रबंधन ने सभी जिलों के डीएम से रिपोर्ट तलब की है। तो देहरादून से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मानसून की लगातार बारिश के बाद से प्रदेश भर में कई सड़कें बंद हुई थी, अब उन सड़कों को खोलने का काम जारी है। हालांकि इसको लेकर के जब मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई तो उसके बाद से चार दिन के अंदर ही मात्र 307 सड़कों को खोल दिया गया और जो बची हुई सड़कें हैं जो अभी भी बंद बताई जा रही हैं, कहीं भूस्खलन हुआ तो कहीं बारिश की वजह से मार्ग अवरुद्ध हुए, उन सड़कों को भी उन मार्गों को भी खोलने का काम लगातार जारी है। चार दिनों में 307 सड़कें खोल दी गई और बाकी जो अभी बंद सड़कें हैं उन्हें भी खोलने का काम लगातार जारी है। चार धाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4,000 से अधिक लोग, 4,000 से 5,000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता एक दो जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी दो तीन घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में चार धाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज कुछ जनपदों में बरसात की संभावना है, बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी चार धाम यात्रा मार्ग पर, लेकिन कुछ बरसात होगी, कुछ देर यात्रा बाधित रह सकती है, लेकिन यात्रा सुचारू है, कोई ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए जो अभी तक सूचना है। और हल्द्वानी में गैस सिलेंडर फटने से हिम्मतपुर मल्ला में झोपड़ी जल गई, जिसमें एक महिला झुलस गई, जिसे तत्काल सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन उसे इलाज के लिए सुशीला तिवारी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि झोपड़ी बटाईदार की है, जो खेत में बटाईदारी का काम करता है। सूचना मिलने के बाद से मौके पर पटवारी भी पहुंच गए, जो अपनी रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे। इसको लेकर के तहसीलदार सचिन कुमार ने कहा कि पीड़िता को सहायता मुहैया कराई जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
तो अल्द्वानी की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिलेंडर फटने से एक झोपड़ी जल गई। बताया जा रहा है कि झोपड़ी का मालिक जो है वो बटाईदार का काम करता था। झोपड़ी जलने से उसके घर का जितना भी सामान था सभी जलकर राख हो गया। हालांकि पीड़िता को अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि इस हादसे में बताया जा रहा है कि एक महिला भी झुलसी है आग में। घर का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया और जो महिला इस हादसे में झुलसी, इस आग में झुलसी गैस सिलेंडर फटने से, उसका फिलहाल सुशीला तिवारी अस्पताल जो है हल्द्वानी में वहां पर इलाज चल रहा है। और ये मौके की तस्वीरें हैं जहां पर झोपड़ी जलने से पूरी झोपड़ी का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है, जिसके बाद से घर में रखा सामान तो पूरी तरह से खाक हुआ और साथ ही साथ एक महिला भी इसमें झुलस गई। हालांकि पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। आठ बजे की घटना है, सिलेंडर फट गया और इनकी बीबी चोट पटक लग गई है काफी, और पटवारी जी आए थे, पार्षद जी आए थे और प्रशासन आया था, फायर ब्रिगेड आई थी, सब मौके पे आए थे। वो इतनी चोट लगी है उनको? चोट काफी है, सीने में है, हाथ पांव में पूरा झुलस गई है। आप क्या चाहते हो? तो कुछ मुआवजा मिल जाए, गरीब आदमी है बेचारा। आपको कैसे पता चला? ये मैंने ही जगह दे रखी इनको, मेरा नंदन सिंह पतलिया हुआ। सुबह 8 बजे के समय हिम्मतपुर मल्ला एक गांव है हमारे यहाँ, वहाँ पर एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसके बाद वो आग बढ़ी तो सिलेंडर आग की चपेट में आ गया और वो सिलेंडर ब्लास्ट होने से वहाँ रहने वाली एक महिला को चोट लगी है। जो झोपड़ी थी पूरी तरीके से खाक हो गई है। महिला को अभी सरकारी अस्पताल में सुशीला तिवारी में भर्ती कराया गया है, वहाँ उसका उपचार चल रहा है। क्योंकि ये घटना जो है वो दैवीय आपदा के अंतर्गत तो नहीं आती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इनको आर्थिक सहायता हेतु हमारे यहाँ से संस्तुति सहित आख्या भेजी जाएगी। अनुमान लगाया गया है लगभग 2 लाख रुपए की क्षति प्राथमिक तौर पर की जा रही है। और अब खबर उधम सिंह नगर मुख्यालय से है, जहां बिलासपुर में शरारती तत्वों ने ट्रेन की पटरी पर भारी भरकम लोहे का पोल रखकर दुर्घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। शरारती तत्वों ने नैनीजन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की बड़ी साजिश रची। ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर साजिश को विफल कर दिया। पूरा घटनाक्रम जिला मुख्यालय रुद्रपुर के निकट बिलासपुर क्षेत्र के अंतर्गत का बताया जा रहा है। घटना की सूचना से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी आ रही है निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक मानसिकता के साथ, जिस तरीके से रेलवे पटरी पर ऐसे बड़ी बड़ी चीजें हैं, जैसे मैं देख रहा हूं रुद्रपुर के बिल्कुल नजदीक ही रेलवे पटरी पर खंभे डाले गए और उससे अगर ट्रेन वहां गुजरे, गुजरने के बाद अगर वहां दुर्घटना हो, कितने लोगों की जाने जा सकती है, कितनी बड़ी लोगों को जानहानि हो सकती है। ये एक बहुत खतरनाक मानसिकता है जो पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर में देखने आ रही है। और ये कि ऐसा लग रहा है कि जैसे एक षड्यंत्र के तहत पूरे देश को अव्यवस्थित करने के लिए, हमारी केंद्र सरकार के खिलाफ एक वातावरण बनाने के लिए, एक इस पर योजना तरीके से देश विरोधी ताकतों का, जिहादियों का एक षड्यंत्र चल रहा है। और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देख रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथोला ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार देश और प्रदेश में लगातार चौमुखा विकास कर रही है। बीजेपी सरकार तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। वहीं प्रदेश को लेकर के मोदी काफी सक्रिय रहते हैं, उनके द्वारा लगातार प्रदेश के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव राजेंद्र शाह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अपनी नाकामियों को अपनी उपलब्धियां बता रही है। जहां पूरा देश बेरोजगारी महंगाई से जूझ रहा है,
साथ ही पूरे देश में अराजकता और अपराध का माहौल फैला हुआ है। वहीं बीजेपी इसको अपने उपलब्धियों में गिनवा रही है। पूरा देश बीजेपी की नीतियों से परेशान है। वहीं देश के युवा बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बीजेपी सरकार अपने 100 दिन के कार्यकाल को लेकर खुशियां मना रहा है। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है, हम भी क्योंकि प्रधानमंत्री है, हम भी बधाई देते हैं उनको, हम चाहते हैं कि वो सतायु हो, लेकिन कल जिस तरह का बयान आना चाहिए, बयान आया कि वो ही आने वाले कल में भी नेतृत्व करते रहे, इसमें मेरा थोड़ा विरोध है कि नेतृत्व बहुत हो गया, नेतृत्व में उन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए सतायु हो। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को स्वतंत्र उनका जन्म दिवस मोदी जी ने जो वादा देश के साथ किया था, वादे को निभाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने इन कामों को, नए आयाम को स्थापित किया। आने वाले समय में तो देहरादून आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का कहना है कि वो प्रदेश में लगातार चौबोखी विकास कर रही है, लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जिसे विकास के नाम पर जिसका जश्न मना रही है वो विकास नहीं बल्कि विनाश है। चौबोखी विकास करने के बाद जो बीजेपी लगातार कर रही है वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी सरकार जो है केंद्र में 100 दिन पूरा होने पर तीसरे कार्यकाल के जश्न मना रही है, तो इसी को लेकर विपक्षी पार्टियां निशाना साधने से भी नहीं चूक रही हैं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं और बीजेपी के विकास को विनाश बता रहे हैं। और कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रिदु खंडूरी भूषण का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले सत्र से कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की कक्षाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। कोटद्वार में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय से संबंधित कुछ औपचारिकताएं हैं जिनको पूरा किया जा रहा है। तो कोटद्वार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष जो है रितु खंडूरी भूषण वो यहां पर पहुंची, यहां पर उन्होंने बयान दिया। सरकार के पक्ष में भी कई सारे बयान उन्होंने दिए। उन्होंने कहा है कि विकास का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। दरअसल बीजेपी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर जो है जगह जगह कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, और इस बीच रितु खंडूरी जो है, जो विधानसभा अध्यक्ष है प्रदेश की, वो यहां पहुंची और वो कोटद्वार पहुंची और यहां पर उन्होंने कहा कि कक्षाओं का संचालन भी शुरू हो रहा है और कुछ औपचारिकताएं जो हैं वो पूर्ण की जा रही हैं। हमें जमीन उत्तराखंड सरकार को फ्री में देनी पड़ेगी, तो वो दी है। अब इसके बाद हमारी जो फाइल है वो पहुंचेगी, जो हमारे दफ्तर हैं देहरादून में केंद्रीय विद्यालय के, उसके बाद एक टीम पहुंचेगी और मेरी यहां पे पूरी तैयारी है। आप लोगों को शायद पहले से भी पता होगा कि हमने स्कूल में 12 कमरों को ठीक ठाक करा दिया है, शौचालय वहां बन रहा है। नगर उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारियों ने अध्यक्ष वैभव अग्रवाल के नेतृत्व में रामलीला कमेटी पर रामलीला मंचन की आड़ में व्यवसायीकरण और अन्य अश्लील कार्यक्रम कराए जाने के आरोप लगाए हैं और रामलीला कमेटी के विरुद्ध उपजिलाधिकारी आकाश जोशी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही निवेदन किया है कि सुरक्षा के दृष्टिगत गांधी मैदान में सिर्फ रामलीला मंचन किए जाने की अनुमति दी जाए, इसकी आड़ में व्यवसायीकरण न किया जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि गांधी मैदान टनकपुर में रामलीला कमेटी द्वारा रामलीला मंचन कराया जाता है, जिस दौरान टनकपुर क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र और पड़ोसी देश नेपाल की जनता भारी संख्या में आती है। रामलीला मंचन और रावण कुंभकर्ण वध कार्यक्रम, काफी अधिक भीड़ इस कार्यक्रम में देखने को मिलती है और जिसके चलते 40% व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है, जिस कारण दुर्घटनाएं, जनहानि की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। वहीं धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में बाहर से आर्केस्ट्रा पार्टी बुलाकर के अश्लील नृत्य करवाया जाता है।
आपको बता रहे हैं, जहां पर रामलीला कमेटी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल रामलीला कमेटी पर आरोप लगा है कि जब 10 दिनों का रामलीला मंचन होता है तो इस दौरान जब कुंभकर्ण का वध होता है और रावण दहन होता है, इस दौरान अश्लील नृत्यकार बुलाकर के नृत्य करवाए जाते हैं और इस संबंध में बकायदा आरोप लगाते हुए उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें अश्लील कार्यक्रम कराए जाने का रामलीला कमेटी पर आरोप लगा है। हालांकि मामले में क्या संज्ञान होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल रामलीला कमेटी पर ये जो गंभीर आरोप लगे हैं इसको लेकर के उपजिलाधिकारी को टनकपुर में ज्ञापन सौंपा गया है। और आरोप यह भी लगा है कि व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए ये सब चीजें करवाई जा रही है रामलीला कमेटी के द्वारा, जिसमें रावण वध कुंभकर्ण वध में खासतौर पर ज्यादा भीड़ करवाई जाती है, अश्लील कार्यक्रम करवाए जाते हैं, अश्लील नृत्य करवाए जाते हैं, इस तरीके के आरोप लगे हैं। उपजिलाधिकारी को टनकपुर में लोगों ने यह ज्ञापन सौंपा है, जिसमें रामलीला कमेटी पर ये कई तरीके के आरोप लगाए गए हैं। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।